नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि लुनिया और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टू डिमांड चैनल। दोस्तों, हमने आज 3D प्लान में 15x30 की प्लानिंग बनाई है। 15 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा दोस्तों, जो करीबन 450 स्क्वायर फीट प्लाट है, इसको हमने 3D प्लान में बनाया है। दोस्तों, कभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं इसी तरह के सिविल कंस्ट्रक्शन 3D प्लान वगैरह वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, और दोस्तों आपको अब पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा। ये उसका प्लिंथ प्लानिंग है दोस्तों, बिल्कुल आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसको हम अब 3D दोस्तों में चल के करते हैं, बात। हम अंदर साइट जो आपको हम मैं बताऊंगा। ये देख, तो पार्किंग की जगह तो नहीं है हमारे पास, जो बाइक जो फोर व्हीलर हमारी कार पार्क है रोड पे खड़ी हुई दोस्तों। अब यहाँ से चलते हैं हम जो ऊपर जाने का रास्ता। हालांकि ये 15x30 का प्लाट बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हमने चढ़ाव डबल एंट्री करी है। बाहर से भी जा सकते दोस्तों इसमें, और अंदर से भी जा सकते इसमें ऊपर वाली बिल्डिंग में दोस्तों। और ये मेन गेट, ये हमारा ये डोर, ये आप देख लो डोर, ये विंडो, स्टैंड, सोफा, ये सारी चीज़ हॉल में रखी हुई है। ये एक हॉल हो गया जो काफ़ी सुंदर हॉल है दोस्तों। इसका जो भी नाप है वो हमने आखिरी में इमेज में दे दिया। आखिरी जब वीडियो कब ख़त्म करेंगे तो आपको फ़ोटो के द्वारा पूरे हर कमरों का अलग अलग नाप मिल जाएगा। ये दोस्तों बेडरूम में जाने की सीधे गली। अब यहाँ से हम दोस्तों क्रॉस हुए और जो लेफ्ट साइड में हम चलते हैं दोस्तों बेडरूम में। हम बेडरूम में आ चुके हैं, वो जो बेडरूम भी अच्छी सुंदर दोस्तों, वेट लगा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ, सारी चीज़ विस्तार में हमने एक एक चीज़ स्टेप बताई है आपको करके। अब जिसमें लेट बाथ कम्बाइंड है दोस्तों, जो हम चलते लेटरिंग बाथरूम की ओर दोस्त। जो लेटरिंग बाथरूम जो रूम से अटैच है, बेडरूम से अटैच है। अब वापसी आते हैं हम दोस्तों, जो एक बेडरूम है, एक हॉल हो गया, एक बेडरूम हो गया। अब हम बाहर की ओर चलेंगे दोस्तों, गली में से हम जाएंगे अब किचन में। लेफ्ट हैंड में मुड़े हम सामने दोस्तों, जो किचन आ गया छोटा सा। ये किचन आप देख लो, सीधे गली, एक हॉल, बेडरूम, एक किचन, और जो सामने आप जो देख रहे हैं जो वॉशिंग मशीन रखी हुई है दोस्तों। वॉश एरिया है, आप वॉश एरिया के हिसाब से हमने जगह निकाली है। इसकी आपको फुल ड्राइंग, आपको फुल प्लानिंग, नाप वगैरह, हाँ सारी चीज़ वीडियो के आखिरी इमेज में हमने सेट करके रखी है। आप चाहो तो वहाँ से प्लान ले सकते हैं, सारा नाप लिखा हुआ, कमरे का नाप, लेटरिन बाथरूम किचन का नाप दोस्तों, ये पूरा आउटर से आउटर का नाप रहेगा दोस्तों। जो 15x30 का हमने नाप दिया, कमरों का नाप जो है सब आउटर से आउटर है दोस्तों, इसमें वॉल वगैरह सब नाप में ही आएंगी दोस्तों। मुझे आपको एक बार वो दिखा देना, जो बेडरूम, बेडरूम से हमने वापसी आए दोस्तों, जो हॉल में रिटर्न आ गए। हॉल में आने के बाद में दोस्तों, जो पूरा हॉल अपना मेन चढ़ाव से अटैच है दोस्तों, अपना हॉल, चढ़ाव मतलब जीना, पेड़ी स्टेप, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप जो बोलते हैं वो। अब यहाँ से हम रिटर्न बाहर की ओर आएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, जो आपको हम बता रहे हैं 3D में और प्लानिंग करके दोस्तों, उसको बिल्कुल आप बाहर से पूरी दीवारों पार में करके हम बताएंगे। ये देखो, प्लस हॉल, बेडरूम, किचन, लेट वाट, सब आपको हम बाहर से दिखाएंगे। बिल्कुल आप क्लियरली आप समझ सकते हैं कि चीज़ बॉस एरिया वगैरह, लेटरिन बाथरूम, बेडरूम, हॉल, चढ़ाव वाला हिस्सा, पार्किंग दोस्तों जो हमारा, आप बिल्कुल विस्तार से देखिए दोस्तों। और आपको कभी इसमें कोई डाउट हो या कुछ चेंज करना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर बोल के बता सकते हैं दोस्तों। या आपको कोई स्पेशल ड्राइंग बनवानी है तो मैं बिल्कुल, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं बिल्कुल ड्राइंग बना के आपको इसमें अपडेट करूँगा दोस्तों। और दोस्तों, आपने कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह के सिविल संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी कुछ ही देर बाद, जो सारा नाप लिया है कमरों का, बेडरूम का, हॉल का। ये दोस्तों, ये पूरा अलग अलग नाप दिया है दोस्तों, पूरा आप देख लो।